हम कुछ भी अपने अंदर जो नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं या उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो समटाइम्स या बाज़ुकात हम उनमें उलझ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा उलझ बहुत सा या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें महसूस करते हैं। हम अपने मिसाल के तौर पे हम किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक क्लास, फियर क्लास कहते हैं जिसे, वो मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है, और जिसमें हमें एक इम्तिहान का ना पास होने का डर होता है। और अगर इसकी तरफ तीसरी रीज़न ये होती है कि हम उसके बाद की जो सिचुएशन होती है एज अ नेगेटिव, तो यानी कि अब हम वो चीज़ कर तो हैं लेकिन अब उससे निकले कैसे, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा इंसान को अंदर की हालत बहुत ज़्यादा डाउन कर दी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इसमें से बेहतर जो है वो रास्ता ये है कि अगर हम पेपर को इस तरह अपने अंदर की फीलिंग्स देखें तो असल में वही पेपर है। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है कि यार ये जो सवाल है या ये जो रास्ता है या ये जो कोई शख्सियत है, ये जो है मेरा हल निकाल सकती है, तो उसमें हमें इनर पीस कहते हैं, वो जो है हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है, बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर कर सकती है। और कुछ चीज़ें और कुछ मैं अपने से जुड़ी रिलेटेड जिससे आपको बेहतर से समझ आए प्रैक्टिकली और अमली एक इम्तिहान था जिसमें मैंने बहुत सारा एक प्रेशर क्रिएट किया था। लेकिन और जिन चीज़ों से हम एक प्रेशर महसूस करते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते या उसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें डाउनलेस महसूस करते हैं, तो हम उन चीज़ों से ना निकल सकते हैं कभी ज़िंदगी, और ना ही हम कभी ज़िंदगी उससे अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो चीज़ जिसमें इंसान को एक अंदर से एक एहसास, एक खूबसूरत एहसास मिले, वो हमारे लिए बेहतर साबित होती है। और हर वो चीज़ जो इंसान को बेहतर राह दिखाए और उसको बेहतर रहनुमाई करे, वो बेहतर उस्ताद है। उस्ताद पे बात कर लेते हैं। उस्ताद वो नहीं है कि जो एक स्टूडेंट्स को उसके मसले के बारे में मसला ही पैदा कर दे कि जाओ तुम इसके बारे में ढूंढ के लाओ फिर तुम्हें जवाब मिले, लेकिन जवाब वही होता है जो वो कह देता है, उसके बाद वो जवाब है, यानी एक सवाल उसने किया। मिसाल के तौर पे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इस वीडियो में या इस टॉपिक पे मैं तो भूल गया, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में ये सर्वाइव कर चुके हैं, ये कोई एक कॉमन बात हो गई, ये कॉमन डर है, तो इस पे तुम बोल सकते हो और ये कोई इसमें डाउट नहीं होगा या इसमें शक नहीं है, और ये सच है कि जब भी हम कोई अपने बारे में फीलिंग का इजहार करते हैं या कुछ शाइन फील करते हैं, तो इसका अल्टरनेट एक्सप्रेशन जो होते हैं, तो वो हम बेहतर प्रेजेंटेशन या अपनी बेहतर सर्विस कर सकते हैं। और अपने से हर जुड़ा एक्सपीरियंस या तजुर्बा या अंडरस्टैंडिंग जो अपने लाइफ में किए होते हैं, या हम अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक एक्स्ट्रा या मोर जिससे ज़्यादा कह जाता है जिसकी जाती है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को बैलेंस करें तो हम एक अमली तराजू या अमली इसमें नक्शा कह सकते हैं कि बेहतर जो सर्विस है वो हमारे लिए क्या है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हर चीज़ का एक डार्क आउटकम निकालें
उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यानी लाइफ को एज अ प्रेजेंट करें, तो हम उस पर बेहतर तौर पे अपने आप को ईजी फील कर सकते हैं। अनईजी होने से बेहतर हम ईजी फील करें, ये ज़िंदगी का हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों से एक फोकस एम बनाएं, ताकि एक लाइफ पे इम्प्रूव हो।